हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स स्ट्रीमर। आज हम सीखने वाले हैं क्राफ्ट पेपर में से पीकॉक को कैसे बनाया जाता है। क्राफ्ट पेपर्स प्रेफरेबली येलो, ग्रीन, ब्लू के शेड में, सीजर्स, ग्लू, फेविस्टिक, पेंसिल, गूगली आईज, मार्कर पेन, सबसे पहले हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे पीकॉक के आगे की बॉडी। ब्लू कलर की पेपर के ऊपर हम उसको पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसको कट करेंगे। उसी ब्लू पेपर में से पीकॉक के दो विंग्स और ड्रॉ करके कट करेंगे, जो कि रफली लीप शेप के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद उसको आगे और पीछे स्टिक करेंगे। उसके ऊपर हम पीकॉक के ऊपर जैसे पैटर्न्स होते हैं इन्वर्टेड सी, वैसे पेंसिल से सी में पैटर्न बनाएंगे। पीकॉक के पैर के लिए हम येलो फ्लोरोसेंट कलर के पेपर के ऊपर उसके पैर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम उसको कट करेंगे और इसके नीचे जो हमने बॉडी बनाई है वहाँ स्टिक करेंगे। अब हम बनाएंगे पीकॉक की रेड कलर बीक। उसके लिए हम रेड कलर के पेपर में से ट्रायंगल शेप में उसकी बीक कट करेंगे और उसके ऊपर हम उसको स्टिक कर देंगे। अब हम बनाएंगे पीकॉक का क्राउन, वो भी हम पेपर में ड्रॉ करेंगे और उसको कट करेंगे। बाद में हम उसको पीकॉक के हेड के ऊपर स्टिक करेंगे। अब हम बनाएंगे पीकॉक के फैदर। फैदर के लिए हम लेंगे ग्रीन कलर A4 साइज क्राफ्ट पेपर और उसको वीडियो में दिखाया है उस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम पेपर को वापस से बीच में से फोल्ड करेंगे और उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम पेपर के ऊपर जैसे उसके फैदर के ऊपर जो पैटर्न होते हैं वैसे राउंड राउंड पैटर्न बनाएंगे और पेपर को वापस से फोल्ड करेंगे।
अब फेदर वाला जो पेपर है उसको बीच में से हमने फोल्ड किया है, वहीं हम ग्लू लगाएंगे और पीकॉक की बॉडी जो हमने रेडी की है वो बीच में स्टिक करेंगे और ये हो गया हमारा पीकॉक बिल्कुल रेडी। Liked our video, don't forget to like, share and subscribe Kids Streamer.